पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों एनएसयूआई व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन मशीनों का इस्तेमाल करके पानी छोड़ा और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम तो सिर्फ पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर तहसील कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर तीन तीन वाटर कैनन मशीन का इस्तेमाल कर पानी छोड़ा। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवांशु अंशु मिश्रा ने कहा कि ये सरकार घोटालेबाज सरकार है, इस सरकार में एक से बढ़के एक घोटाले आए दिन हो रहे हैं। देवांशु अंशु मिश्रा ने कहा कि पटवारी परीक्षा भर्ती घोटाला प्रदेश के युवाओं के साथ छल है। जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक कांग्रेस प्रदेश के युवाओं के हक के लिए लड़ती रहेगी। घोटालेबाज मुख्यमंत्री जिनके नाम पर घोटालों की सौगातें देने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अब बन चुका है मध्य प्रदेश में, टंपर कांड, व्यापम कांड, रेता कांड से लेकर जिसका नाम घोटालेबाज मुख्यमंत्री हो चुका है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी उनकी सरकार में एक नए घोटाले ने जन्म लिया है। पटवारी परीक्षा घोटाला, 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर अयोग्य छात्रों की उन्होंने भर्ती कर दी है। योग्य छात्र आज अपने आप को छला महसूस कर रहा है, आज पैसा जीत गया है और मेहनत हार गई है, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन युवक कांग्रेस और एनएसयूआई आंदोलन कर रही है। युवक कांग्रेस एनएसयूआई ब्लॉक ब्लॉक जाकर हर विधानसभा में आंदोलन कर रही है पटवारी परीक्षा घोटाले को लेकर। आज एनएसयूआई के तत्वाधान में यहां पर एसडीएम दफ्तर का घेराव किया गया, पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक तीन तीन वाटर चार्ज मशीन से हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर, पटवारी परीक्षा की परीक्षाओं में जो घोटाला हुआ उसके पीड़ित छात्रों के ऊपर तीन तीन वाटर चार्ज मशीन से वाटर चार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया, हमारे कई कार्यकर्ता जिसमें कि चोटिल भी हुए हैं। हम शिवराज सिंह चौहान सरकार को बताना चाहते हैं कि दम है जितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखा है और देखेंगे। हमारा ये आंदोलन निरंतर चालू रहेगा जब तक पटवारी परीक्षा की सीबीआई जांच नहीं हो जाती, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे देते, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते और छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी। वहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल करने को लेकर टीआई अजय बहादुर सिंह ने कहा कि ये लोग तहसील कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, काफी समझाइश के बाद भी ये लोग नहीं माने, तभी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एनएसयूआई के द्वारा आज पटवारी परीक्षा को लेकर के एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। उसको समझाइश दी गई किंतु वो अंदर घुसने की मांग कर रहे थे, ना मानने पर उन्हें पानी की बौछार डाल करके और उनको खदेड़ा गया। नहीं, लाठी चार्ज नहीं हुई है उनको, नहीं कोई ऐसा घायल नहीं हुआ। इस्तेमाल किया गया एक फायर ब्रिगेड आई थी जिसमें पानी कम था, दो टैंकरों का दो तरफ से प्रयोग किया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।